हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो टेबल है, इसका टूल जब हमने दुकान का कलर किया था तो इस पर सब कलर लग गया हुआ था, तो बिल्कुल भद्दा दिख रहा था। तो हमने इसका कवर बना के इसमें लगा दिया है। तो ये कवर बनने के बाद में कितना अच्छा से ये टूल दिख रहा है हमारा। तो आज इस वीडियो में इसका कवर बनाना सीखेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टूल का चौड़ाई और लंबाई दोनों साइड से इसका नाप लेंगे। तो इसका चौड़ाई जो है चारों तरफ से 12-12 इंची आ रहा है। तो ये जो कपड़ा बचा हुआ था इसमें हमने ज्वाइन करके इसको जोड़ के चौड़ाई बढ़ा लिया है, और उसको हम 13 इंची पर निशान लगा रहे हैं। 14 इंची मार्जिन जाएगा दोनों साइड में। तो इसका चौड़ाई और लंबाई जो है 13 इंची पे निशान लगा के इसको हम कटिंग करेंगे। यानी 13x13 का निशान लगा लिया हमने, और उसको हम कटिंग कर देते हैं। तेरह बाई तेरह कटिंग हो गया हमारा। अब दोस्तों, इसका चारों तरफ से गोलाई इसका नाप लेंगे। ये पट्टी कितना चाहिए हमको, उसी हिसाब से लंबाई के हिसाब से पट्टी काट लेंगे। दूसरा ये वाला पट्टी देख लीजिए, पट्टी की चौड़ाई है 3.5 इंची रखा है हमने। ये पट्टी की चौड़ाई अपने हिसाब से 0.5 इंची कम बेस भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता दोस्तों। और दूसरा हमने नीचे के लिए ऐसे ही सेम कपड़ा इसको भी ज्वाइन करके चौड़ाई बना के ले लिया है। अब इसको ऊपर रख के इसको अटैच करेंगे। इसमें चाहें तो आप कवर ऐसा बना के भी अंदर में कपास डाल सकते हैं। और ये कपड़ा मोटा है, कटराइज कपड़ा है, डबल कपड़ा है, यानी 4 तरह कपड़ा हो गया है ये। तो इसमें हमको नीचे में कपास डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको चारों तरफ से चारों कोना पे ये सिला लिया हमने, और इसका जो स्टार्टर मार्जिन उसको काट दिया है। काटने के बाद में दोस्तों, अब इसमें जो है पूरा में सिलाई चलाना है, 1-1 इंची का या 1.5 इंची का या 1.25 इंची का, वो अपने हिसाब से थोड़ा कम बेस कर सकते हैं। यानी ये चारों तरफ से सिलाई ऐसे लगा देना है। इसमें सिलाई लगने के बाद देख लीजिए कैसा ये दिख रहा है पीस हमारा। ये सिलाई सब लग गया दोस्तों हमारा। ये सिलाई इसी तरह से आप लगा सकते हैं चारों तरफ से। जो धागा है उसको हम कटिंग कर देते हैं। वो कटिंग हो गया हमारा दोस्तों। इसका जो लंबाई चौड़ाई है सेम 13 इंची आया है सिलाई लगाने के बाद में भी। और जो ये पट्टी है, इस पट्टी को यहाँ से बीच में से रख के ये देख लीजिए 2.5 इंची या 3 इंची या 3.5 इंची, जैसा भी आप चौड़ाई रखना चाहें। कमती में 2.5 इंच रखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 इंची रखना होगा। तो इसी हिसाब से अब इसको आप डबल करके एक चाप का मार्जिन लेते हुए इसको कच्चा कर देंगे दोस्तों। वहाँ पे लेके आराम आराम से घुमा लें, बिल्कुल एक चाप का मार्जिन लेते हुए उसको कच्चा करेंगे। हम यहाँ पे लेके उतार लेंगे, और ये दोनों के बीच सेंटर करके इसको हम काट लेंगे। एक चाप मार्जिन छोड़ के ऐसे काट लेंगे। काटने के बाद में इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने टाइम में ये बीच में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे, इसलिए कि यहाँ से हमें डोरी डालना है।
अंदर का जो मार्जिन है इसको बीच से चीर के एक सिलाई लगा लेंगे अंदर से, ताकि अच्छा से बैठ जाए कपड़ा। उसके बाद में फिर इसको हम कच्चा करेंगे। तो ये हमारा कच्चा हो गया दोस्तों। अब इसमें हम इंटरलॉक लगा लेंगे। इंटरलॉक लग गया हमारा, देख लीजिए, ताकि धागा वो ना निकले। और ऐसे यहाँ से मुँह बन गया हुआ है। अब इसके अंदर डोरी डालेंगे। ये डोरी जो है हमारा ये कपड़ा का ही अंदर से, जो डबल कपड़ा उससे निकला हुआ डोरी है ये, तो उसी कपड़ा को हम डोरी डाल रहे हैं। आप लोग अलग से चाहें तो अलग से भी बना के डोरी डाल सकते हैं, और आराम से डोरी को अंदर में डालेंगे। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ आपको नॉलेज मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये डोरी लगी हमारा, ये इसको अच्छा से कपड़े को तान के प्लेस सेट कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये बन के अब ये तैयार हो गया है लमसम। डोरी को अच्छा सेट कर लेते हैं तान के, पहले जो ज़्यादा डोरी की लंबाई है उसको काट देंगे। अब इसको कपड़ा को सीधा कर लेते हैं। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं उस टूल पे, लगा के दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए, ये टूल पे अब इसको लगा के ऐसे, अब इसको कपड़ा को अच्छा सेट करने के बाद में इस डोरी को जो है इसको हम तानेंगे तो आराम से बैठ जाता है दोस्तों। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से बैठा के इसको हम बांध देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।